हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज का जो हमारा वीडियो बेस्ड है वो प्रश्न बैंक है 2021-22 विज्ञान कक्षा 10 की। तो यहाँ पर हम कक्षा 10 की जो विज्ञान की क्वेश्चन बैंक है इसको कंप्लीट करने वाले हैं और आज हम अध्याय 15 जो है कंप्लीट करेंगे हमारा पर्यावरण। इसमें से एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और एक दो अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अब यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है। जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्लास्टिक है ना लिखा हुआ, और प्लास्टिक कभी भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होता। मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। पहला क्वेश्चन कैसा लिखना था उनको, निम्न में से कौन से समूह में केवल है ना जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कि केवल एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, या क्वेश्चन ही बदलना था कि निम्न में से कौन सा ऐसा समूह है जिसमें जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, तो वो प्लास्टिक वाला आ जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि किसमें है, तो आ सा और दा तीनों में ही जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आ सा और दा। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आ सा और दा लिख सकते हैं, आ सा और द। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला यानी कि घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खा जाता है, तो बा वाला इसका आंसर आएगा। किसी पारितंत्र के घटक हैं, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, सभी पारितंत्र के घटक होते हैं। अगला है, हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं, तो हरे पादप जो है प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। एक पारितंत्र में मानव है, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें मानव क्या होता है, तो मानव उसमें क्या होता है, सर्वहारी, यानी सब कुछ खा जाता है मानव। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। अब खालिस्तान देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान में ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है, तो सी एफ सी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, उस श्रृंखला को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आहार श्रृंखला। क्या लिखे हैं हमें पर, आहार श्रृंखला। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव वो कहलाते हैं अपमार्जक या फिर अपघटक, दोनों में से एक लिख सकते हैं आप, अपघटक भी लिख सकते हैं और अपमार्जक भी लिख सकते हैं, दोनों का ही एक ही अर्थ होता है। वर्षा के पानी को एकत्रित करना, इसको उपयोग में लाना क्या कहलाता है, तो इसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, यानी कि वर्षा का जल संग्रहित करके रखना, वर्षा जल संग्रहण। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, हरे पौधे ही उत्पादन का काम करते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है, तो मात्र 10%। अब इसको कैसे समझेंगे कि मान लो घास में जितनी ऊर्जा है, जब बकरी उसको खाती है तो उस ऊर्जा का केवल 10% बकरी के शरीर में जाता है, और बकरी को जब इंसान खाता है तो बकरी का 10% इंसान में जाता है, यानी कि सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है, 10%। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग के दो कारण लिखिए, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर लिखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है ना, पारितंत्र में कितने घटक होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने के लिए हम चिंता क्यों कर रहे हैं, और क्या होगा यदि एक पोषी स्तर के जीव को समाप्त कर दे, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यदि आपको है ना इंग्लिश के भी क्वेश्चन बैंक को कम्प्लीट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 9th वाले भी इंग्लिश और विज्ञान के वीडियो उनके भी चल रहे हैं क्वेश्चन बैंक के, है ना, तो वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल आपके लिए बेहद हेल्पफुल साबित होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग के तीन कारण देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से लिख सकते हैं। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर भी आप आसानी से लिख सकते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसको कहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हमारे क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका आंसर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए, तो अजैव घटक और जैव घटक दो घटक होते हैं। ठीक है, वातावरण प्रदूषक क्या है, चार अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों के नाम लिखिए जो मानव के लिए हानिकारक है, ये क्वेश्चन भी इसमें है। इसके बाद में ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें,
अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक और अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक में अंतर बताइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका जो है अध्याय 15 कंप्लीट हो चुका है, बस एक ही अध्याय बचा है, बाकी सारे अध्याय हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व करवा दिए हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को है ना मिल सके वीडियो का लाभ। और यदि है ना इस प्रकार के और वीडियो देखना आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, है ना, सारे इंपोर्टेंट वीडियो आपको वहीं पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। धन्यवाद।